हेलो स्टूडेंट्स वेलकम और वेलकम बैक टू क्लास इंग्लिश सिम्प्लीफाइड एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस तो स्टूडेंट्स क्लास इलेवन स्नैपशॉट्स बुक का चैप्टर नंबर फोर है एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल जिसके कि हम वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर्स को कवर कर रहे हैं तो स्टार्ट करते हैं हम स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चन को तो क्वेश्चन है वट स्टेटम डिड आइंस्टाइन डिवाइस टू स्टे अवे फ्रॉम स्कूल फॉर सिक्स मंथ्स कि कौन सा प्लान जो है आइंस्टाइन ने बनाया था स्कूल से छः महीने के लिए दूर रहने के लिए हाउ फार डिड ही सक्सीड और क्या वो जो प्लान था वो सफल हुआ तो आंसर है एल्बर्ट डिड नॉट लाइक टू गो टू स्कूल बिकॉज ही वॉन्ट टू स्टडी इन आर क्रिएटिव वे एल्बर्ट को स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था क्योंकि वो अपनी स्टडी को बड़े ही रचनात्मक तरीके से करना चाहता था द स्कूल वॉज गोइंग ऑन अ लर्निंग पैटर्न लेकिन जो स्कूल जो था वो एक लर्निंग पैटर्न पर चल रहा था क्योंकि वहाँ पर बुक्स को सिर्फ और सिर्फ रटने के ऊपर जोर दिया जाता था स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी से स्कूल को, को कोई भी मतलब नहीं होता था एल्बर्ट आस्क हिज फादर टू मेक हिम ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल अब एल्बर्ट ने अपने फादर को कहा कि वो उसे स्कूल से हटा ले उसका स्कूल छुड़वा दे। बट हिज़ फादर वॉज नॉट रेडी टू दिस लेकिन उसके जो फादर थे वो इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे ही वॉन्टेड दैट एल्बर्ट शुड गेट हिज डिप्लोमा from स्कूल अब वो ये चाहते थे कि अल्लबर्ट जो है अपना डिप्लोमा स्कूल से पहले हासिल कर ले उसके बाद ही स्कूल को छोड़े फॉर एल्बर्ट staying एट दैट स्कूल meant वस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी लेकिन अकॉर्डिंग टू एलबर्ट एल्बर्ट क्या सोचता था कि स्कूल में रहना इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि हम पैसे भी ख़राब कर रहे हैं और अपना समय भी बर्बाद कर रहे हैं क्योंकि स्कूल जाने से उसको कोई शिक्षा नहीं मिल रही थी वहाँ पर जाकर उसे लगता था कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने समय को अपने टाइम को और अपने पैसे को ही बर्बाद कर रहा है वन डे ही गॉट अ ब्राइट आइडिया और एक दिन उसके पास एक बहुत ही ब्राइट आइडिया आया ही आस्क यूरी यूरिकोन था स्टूडेंट्स यूरी एल्बर्ट का दोस्त था तो ही आस्क यूरी इफ़ ही न्यू डॉक्टर कि क्या वो डॉक्टर को जानता है डॉक्टर विल बी सर्टिफाइड दैट एल्बर्ट सफरिंग फ्रॉम नर्वस ब्रेकडाउन अब डॉक्टर जो था ये सर्टिफाइड कर दे अगर कि एल्बर्ट जो है नर्वस ब्रेकडाउन से मतलब बीमार है ये उसको प्रॉब्लम है एंड दिस डिसीज़ विल बी डेंजरस फॉर हीम टू गो टू स्कूल और उसके साथ साथ वो ये भी कह दे कि ये जो बीमारी है ये उसके लिए बड़ी ही खतरनाक है अगर वो स्कूल लगातार जाता है तो ओ, एल्बर्ट शुड बी नॉट गो टू स्कूल इसलिए एल्बर्ट को स्कूल नहीं जाना चाहिए यानी कि वो ये चाहता था कि डॉक्टर एक सर्टिफिकेट दे दें कि उसको नर्वस ब्रेकडाउन है स्कूल जाना उसके लिए हानिकारक है इसलिए उसे स्कूल नहीं जाना चाहिए दे हैड टू फाइंड अ स्पेशलिस्ट इन नर्वस अब उन्होंने एक नर्वस जो स्पेशलिस्ट था उसको ढूंढा यूरी फिक्स्ड अपॉइंटमेंट विद डॉक्टर अर्ंस्टविल यूरी ने डॉक्टर अर्नस्टविल जो था जो यूरी का फ्रेंड था उसके साथ अपॉइंटमेंट को फिक्स कर दिया एंड आस्क एल्बर्ट टू टेल हिम द ट्रुथ और इसके साथ साथ उसने एल्बर्ट को यह भी कहा कि वो उसे सब कुछ सच सच बता दे उससे कुछ भी ना छुपाए एल्बर्ट वॉज फ्रेंक एंड ट्रूथफुल और एलबर्ट जो था वो बहुत ही ज्यादा फ्रेंक था और सच्चाई बोलने वालों में से था ही टोल द डॉक्टर ही वॉन्टेड टू लीव स्कूल विदाउट गेटिंग डिप्लोमा और उसने डॉक्टर को यह बता दिया कि वो स्कूल छोड़ना चाहता है बिना डिप्लोमा के और इसी वजह से वो उसके पास आया है हेल्प के लिए

कॉलेज या एक संस्थान जो होते हैं जहाँ पर कि मैथमेटिकल संस्थान थे जहाँ वो आगे की पढ़ाई करना चाहता था तो वहाँ पर वो एंट्रेंस लेना चाहता है तो इसी वजह से वो स्कूल को छोड़ना चाहता है द डॉक्टर इश्यूड अ सर्टिफिकेट एडवाइजिंग हिम रेस्ट फॉर सिक्स मंथ्स अब ये सब सुनकर क्योंकि वो जो डॉक्टर थे वो भी इसी कंडीशन से निकले थे तो उनको एल्बर्ट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा सम्पत्ति को उन्होंने महसूस किया और उन्होंने उसके एक सर्टिफिकेट इशू करके दे दिया इस एडवाइस के साथ कि उसको स्कूल से सिक्स मंथ्स के लिए रेस्ट लेना चाहिए द सर्टिफिकेट प्रूव्ड यूजलेस एज द हेड टीचर वॉज बेंट ऑन एक्सपेलिंग एल्बर्ट लेकिन इससे पहले कि वो जो सर्टिफिकेट स्कूल में दे पाता तो उसको हेड टीचर ने अपने पास बुलाया और ये सर्टिफिकेट जो था वो यूजलेस साबित हुआ इसका कोई रोल ही नहीं वो अदा कर पाया क्योंकि हेड टीचर ने उसको उससे पहले ही बुला लिया ऑफिस में और उसको ये कहा कि वो उसे स्कूल से निकाल रहे हैं तो इस तरीके से स्टूडेंट्स जो एल्बर्ट ने प्लान बनाया था स्कूल को सिक्स मंथ्स के लिए छोड़ने का तो वो सारा का सारा फेल हो गया ये प्लान बिल्कुल भी सफल नहीं हो पाया तो उम्मीद है स्टूडेंट ये आंसर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए ऑल पर हिट कीजिए ताकि आने वाला हर वेल्यूबल वीडियो आप तक पहुँचे मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में कीप वॉचिंग स्टे कनेक्टेड थैंक यू